नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। सनातन धर्म के संवर्धन हेतु महाकाल सेना की गुजरात इकाई द्वारा संकल्प यात्रा निकाली गई। सनातन धर्म के संवर्धन के लिए महाकाल सेना गुजरात द्वारा बड़नगर रोड स्थित हनुमान गढ़ी में हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। समीप आह्वान अखाड़े से संकल्प यात्रा निकाली गई। महाकाल सेना के संस्थापक महेश पुजारी ने बताया कि 25 साल पहले सनातन धर्म संवर्धन के उद्देश्य को लेकर महाकाल सेना की स्थापना की गई थी। सेना का अब शने शने विस्तार हो रहा है। गुजरात राज्य के इकाई प्रमुख विजय सिंह चावड़ा ने बताया, रविवार को महाकाल सेना गुजरात इकाई के 450 सैनिक उज्जैन पहुंचे और संकल्प यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर दर्शन पूजन के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने सेना के अन्य राज्यों में विस्तार धर्म रक्षा को लेकर चर्चा की। महाकाल सेना सनातन धर्म संवर्धन के लिए देश भर की यात्रा पर है। इसी कड़ी में रविवार को पदाधिकारी उज्जैन पहुंचे थे। हम गांधीनगर गुजरात से दादा महाकाल उज्जैन के दर्शन के लिए हमने महाकाल सेना गुजरात द्वारा एक संकल्प यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें गांधीनगर से हम निकले, बीच में अहमदाबाद, खेड़ा, महिसागर, गोधरा, दाहोद, ये सब जिले पड़ते हैं। उसमें बहुत भव्यातिभव्य स्वागत सेना का किया गया। सभी तहसील और जिलों से वहाँ से गुजरे, वहाँ संगठन की मजबूती और समाज की प्रगति के लिए हमने प्रार्थनाएँ की, संकल्प लिए। और संतरामपुर में हमने महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा के लिए एक नींव रखी, जिससे समाज की और पूरे हिंदू समाज की प्रगति और मजबूती दिखाई जाती है। और यहाँ महाकाल दादा के सानिध्य में हम यहाँ से भी पदयात्रा निकाल के सभी सैनिकों के साथ जाएंगे। 450 किलोमीटर की यात्रा हमने 180 गाड़ियों के साथ अभी यहाँ पे पहुँचे। दादा महाकाल के दर्शन करने के बाद ये यात्रा हमारी पूर्ण होगी और यहाँ पे सभा होगी। कितने 180 गाड़िया और 600 श्रद्धालु है हमारे। कितने किलोमीटर की यात्रा हुई अभी? 450 किलोमीटर की यात्रा हमारे गांधीनगर गुजरात से 450 से ज्यादा किलोमीटर होते हैं। ऑनलाइन गेम का कर्जा चुकाने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची युवक ने पुलिस से किया पर्दाफाश। उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर नांदेड़ है। यहाँ का रहने वाला नितेश 20 वर्ष माधव कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। वह उज्जैन में ही रहकर आर्मी में जाने की तैयारी भी कर रहा था। 13 अक्टूबर को अचानक नितेश लापता हो गया। इधर परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। शुक्रवार यानी 14 अक्टूबर को छोटे भाई विकास के मोबाइल पर इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, नितेश का अपहरण कर लिया गया है, उसके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दो, नहीं तो नितेश को मार डालेंगे। विकास ने मैसेज परिवार के लोगों को बताया, घबरा कर खाते में रुपये डाल दिए गए। इसके बावजूद नितेश नहीं आया तो पुलिस एक्शन में आई। जांच में पता चला कि नितेश के खाते से रुपये गेमिंग पोर्टल में ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जानकारी निकाली गई तो पता चला कि नितेश को गेमिंग का शौक है। हाल ही वह गेम में 50,000 रुपये हार गया। इस बीच शुक्रवार को परिवार वालों के पास कॉल आया कि नितेश रात में नागदा के पास रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। पुलिस जब खोजते हुए पहुंची तो वह अर्धनग्न हालत में बंधा हुआ था। शक के आधार पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी उगल दी। पूछताछ में नितेश ने बताया कि वह गेम में 72,000 रुपये हार गया था। फिर सोचा, हारे हुए रुपये को जीतने के लिए 50,000 की जरूरत होगी, कोई रास्ता नहीं सूझा तो सोचा कि खुद के अपहरण की साजिश रच कर परिवार वालों से पैसे मांग लिए जाए। कॉल के लिए नितेश ने यूट्यूब पर फेक कॉल करने का तरीका खोजा, इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग कर फिरौती मांगी। इस बाबत CSP विनोद मीणा ने बताया, ये एक लड़का था तो ये कल इसके परिजन थाने पे आए थे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कि जी हमारे लड़के को किसी ने गिरफ्तार कर लिया, अगवा कर लिया है। उसके तत्पश्चात इन्होंने बताया कि इनको एक व्हाट्सएप नंबर से, इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर से एक कॉल आया है और मैसेज आया और एक वीडियो आया जिनके अंदर इनका पुत्र है जो जिसके हाथ बंधे हुए थे,
तो फिरौती के तौर पर उनने इनसे 50,000 रुपये की डिमांड करी, तो इन्होंने 50,000 रुपये उसको ट्रांसफ़र कर दिए। उसके पश्चात ये थाने पे आए तो पुलिस ने तत्काल इस पर अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया। इसके पश्चात फिरौती की रकम अदा करने के पश्चात उन्होंने बोला कि ये तराना के रेलवे स्टेशन के पास 3 बजे आपको मिल जाएगा। तो पुलिस इसको साथ में लेके गई, तो वहाँ ये एक रेलवे स्टेशन पे सोया हुआ मिला हमको। तो वहाँ से जब हम इसको लेके आए तो हमने इससे पूछताछ करी, तो पूछताछ करने के पश्चात जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इसने जो पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए थे, और वहाँ से ये पैसा इसने गेमिंग ऐप के में लूट कर दिया था। प्लस जो इसके नेबर थे, इसके परिवार वाले थे, सबका ऐसा कहना था कि ये गेम खेलने का अत्यधिक शौकीन है, जिसमें पैसे डबल हो जाते हैं, इस तरीके का गेम खेलने का शौकीन है। तो जब इससे हमने और गहनता से और तथ्यों के आधार पर पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया कि इसने स्वयं के, क्योंकि ये गेमिंग ऐप के अंदर पैसे हार गया था, तो उसको रिकवर करने के लिए इसने स्वयं अपने आप को अपहरण करवाया, और अपहरण करवा के अपने पिता घर वालों से, क्योंकि इसके घर वाले इतना पैसा इसको नॉर्मल नहीं दे सकते थे, तो इसने इस तरीके की वारदात की। सर, इसके साथ में अपहरण करवाने में इसके कोई और भी साथी साथ थे, और जो इंटरनेशनल कॉल जो किया था जिसकी बात की जा रही है, तो वो कैसे किया था वो कॉल? ये इसका मित्र है एक, तो उसने अपने मित्र को एक झूठी कहानी गढ़ी। इसने अपने मित्र को कहा कि मेरे दोस्त की बहन का एक्सीडेंट हो गया है, उसको तत्काल पैसे की रिक्वायरमेंट है, और अभी मैं अपने घर से नहीं मांग सकता हूँ, घर वाले मुझे देंगे नहीं, तो एक तो तुम मुझे अपहरण कर लो, उस बेसिस पे जब मैं अपने घर वालों को बताऊँगा तो शायद वो मुझे पैसे दे देंगे। तो उसके मित्र को जब इसने ये कहानी बताई तो उसके मित्र ने फिर इसका अपहरण किया, इसके हाथ बांधे और इसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो इसने अपने परिजनों को भेजा। हाँ, अपहरण के पहले इसने अपने बाल कटवाए, उसके बाद इसका कहना था कि रात में जो लोग इसको छोड़ने आए थे उन्होंने इसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, पर इसके शरीर पे किसी भी तरह की कोई भी चोट का निशान नहीं था, जिसने प्राइमा फेसाई हमको थोड़ा इस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए मजबूर किया कि हो सकता है कि ये फेक भी हो सकता है। सर, वो कॉल की जो बात है, ये जो नंबर है, वो नंबर कहाँ से लाए थे और ये कैसे इन्होंने कॉल किया था? इसका ऐसा कहना है कि इसने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से कैसे एक फेक नंबर लिया जाता है, उससे कैसे व्हाट्सएप कॉलिंग की जाती है, कैसे व्हाट्सएप मैसेज किए जाते हैं, तो इसने वो नंबर लिया, तो उसी के यूट्यूब के थ्रू ये सीखा था। खरगोन के सिकलीगरों से पिस्टल खरीदकर उज्जैन में बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 युवकों को सिकलीगरों से पिस्टल खरीदकर शहर में बेचने को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 पिस्टल बरामद हुई है। दोनों युवक लंबे समय से हथियार खरीद फैक्ट्री का काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इनसे अन्य लोगों को बेची पिस्टल और सिकलीगरों के साथ मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर रही है। CSP विनोद मीणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि 2 युवक शहर में अवैध हथियार बेच रहे हैं। इस पर शनिवार दोपहर 4:30 बजे के करीब तेलीवाड़ा चौराहे के पास इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाने वाले विवेक पिता रंगलाल सोनी को पकड़ा गया। इसके निशानदेही पर भेरूनाला से आशीष पिता राजेश बुरट को हिरासत में लिया गया। आशीष निजी काम करता है। पुलिस ने इसके पास हाथों से बनी 3 पिस्टल बरामद की है। आरोपियों ने कबूला है कि यह सिकलीगरों से 15,000 रुपए में पिस्टल खरीद कर लाते थे और फिर ग्राहक ढूंढकर इन्हें बेचते थे। एक पिस्टल पर 4,000 से 5,000 रुपए तक कमाते थे। हालांकि पुलिस दोनों से सिकलीगरों से मिलवाने वाले मध्यस्थ के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस इनसे शहर में अन्य लोगों को पिस्टल बेचने के बारे में जानकारी जुटा रही है। मामले में और आरोपियों की भी गिरफ्तारी होने की बात पुलिस कह रही है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। देखिए, जो पहले रूटीन में हिस्ट्री शीटर्स और जो गुंडे हो गए थाना क्षेत्र के अंदर, उनकी चेकिंग ट्रेडिशनल वे के अंदर हुआ करती थी, बट पिछले कुछ दिनों में उनके द्वारा वारदात घटित करने की सूचनाएं आ रही थी, तो इस तौर पे हमने जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, जो गुंडे होते हैं, उनकी और व्यापक तौर पर पड़ताल करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर उनके ठिकानों की तलाशी, नॉर्मल पूछताछ से ज़्यादा उनके ठिकानों की तलाशी लेना, तो इसी क्रम के अंदर थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर हमको एक सूचना थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास अवैध पिस्टल वगैरह का वो व्यापार करता है। तो जब हमने उसके ठिकानों पर दबिश दी तो हमने उससे एक पिस्टल बरामद हुई। उसके पश्चात जब हमने उससे फर्दर पूछताछ करी तो उसने एक अन्य व्यक्ति का नाम बताया जो जीवाजीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तो उसके यहाँ से भी हमको 2 पिस्टल बरामद हुई। तो हमने दोनों को गिरफ्तार करके उन पे मामला पंजीबद्ध कर लिया है फिलहाल। इसके अलावा हम आगे इसके अंदर फॉरवर्ड लिंकेजेस डेवलप कर रहे हैं कि ये फर्दर किससे लेके आए थे, कहां से लेके आए थे, तो इसमें और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। माधवनगर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा गुमटियां हटाए जाने पर चला आरोप प्रत्यारोप का दौर।
संजीवनी अस्पताल के पास रखी चाय की गुमटियों को नगर निगम रिमूवल गैंग की टीम ने शनिवार सुबह हटा दिया। यहाँ चाय नाश्ते की लगभग 2-3 गुमटी की थैले लगे हुए हैं। यहीं पास ही देसाई नगर निवासी हेमंत गहलोत की सांची पार्लर की गुमटी भी कई वर्षों से रखी हुई है। अतिक्रमण की इस मुहिम के साथ नगर निगम के कर्मचारी हेमंत गहलोत की सांची पार्लर गुमटी का ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गए। हेमंत गहलोत ने बताया कि नगर निगम अधिकारी नीता जैन से बात करने पर उन्होंने कहा कि गुमटी के कागज लेकर नगर निगम कार्यालय आओ, तब बात करेंगे। जानकारी के अनुसार सांची पार्लर का कुछ कर बकाया होने के कारण ही यह कार्रवाई की गई। हालांकि कांग्रेस नेता बबलू खींची ने निगम उपायुक्त नीता जैन पर अवैध वसूली करने के भी आरोप लगाए हैं। नीता जैन पर लोकायुक्त की जांच लंबित होने के बाद भी उन्हें नगर निगम द्वारा कई प्रमुख पदों की जिम्मेदारी देने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। हालांकि इस कार्रवाई के संबंध में नगर निगम अधिकारी नीता जैन के मोबाइल पर संपर्क करने पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। कुछ गरीब लोग है, अपनी आजीविका चलाते, आज कोरोना के बाद कैसी स्थिति है, उनको घर में खाने लाले पड़े। नीता जैन मैडम उपायुक्त है जो कि भ्रष्टाचार में स्वयं नियुक्त है। ये देखो, मेरे अखबार की कटिंग बताता हूँ, इनके ऊपर भ्रष्टाचार, इन लोगों से पैसे मांगती है। आज एक साची पार्लर वाले पैसे नहीं दिए तो उसकी साची पार्लर ताला लगा के चाबी अपना किस नियम के तहत चाबी ले गई ये बताइए, अगर जो पैसा नहीं देगा। और यहाँ के निगम कमिश्नर द्वारा इस भ्रष्ट मैडम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, इसे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रही है बाजार की जिम्मेदारी। अभी त्यौहार का सीजन है, लोग अपनी जीविका कैसे करते हैं, 2-4-8 दिन में त्यौहार बनाते हैं और ये इस तरीके का जुल्म उठा रही है। आज जो कार्रवाई है उस पर किस तरह का जुल्म किया? अभी हमने मैडम से बात करी, मैंने फोन लगा के आप किस नियम से वो ले गए, तो मैडम बोले कि यहाँ ऑफिस आ जाओ, यहाँ आके बात करेंगे। एक मिनट ताना शाह चल रहा है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले हैं। अरे भविष्य हम इनकी शिकायत करेंगे और नगर निगम का घेराव करेंगे। शिकायत हुई, शिकायत के बाद जो कार्रवाई होना बताया जा रहा, तो आपको किसकी शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत का कागज बताया ना, किस बात की शिकायत? सांची पार्लर है, दूध आता है, दूध बिकता है, उसका किराया नगर सांची में जमा होता है, सांची नगर निगम को भेजती है। आपके पास सूची है? अगर आपके पास ऐसा है तो ये सैकड़ों लोगों की सूची है, शहर में जितने भी पार्लर है ना उन पर सब पे कार्रवाई करो आप। इसके अलावा दूसरी गुमटियां भी हटाई गई? नहीं हटाई, कोई भी नहीं हटाई। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।